Good morning, class 2. Today we will understand math chapter 8. Question F, Linda blanks. आपको यहाँ पे flips करने हैं, ठीक है? तो ये देखेंगे 46 equal to dash plus 6. तो आप 46 दिया है, plus 6 दिया है. तो 6 में और कितना plus करेंगे कि 46 हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना जाएगा? 40 आ जाएगा. 40 plus करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46. B देखेंगे dash equal to 60 plus 9. यानी कि 60 plus 9 करेंगे. 60 में 9 को plus करेंगे तो कितना हो जाएगा? 69. ठीक है? 69 यहाँ पे fill करेंगे. C देखेंगे 90 plus dash equal to 91. तो 90 plus dash यानी 90 में कितना plus करेंगे कि हमारा वो 91 हो जाए. तो हम कितना plus करेंगे? 1 plus करेंगे. ठीक है? D देखेंगे dash plus 4 equal to 34. अब 34 हमारा आंसर में निकल के आ रहा है ना ये. तो हम 4 में कितना प्लस करेंगे वो 34 हो जाए. तो कितना करेंगे? 30 करेंगे. ई देखेंगे 50 plus 2 equal to 50 और 2 plus करते हैं तो कितना हो जाएगा? 52. एफ देखेंगे 90 plus dash equal to 99. 90 में कितना प्लस करेंगे कि वो 99 हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस करेंगे हम उसमें ताकि वो 99 हो जाए. ठीक है? इस तरह जी देखेंगे 70 प्लस 5 इक्वल टू 75. ठीक है? एच देखेंगे 27 इक्वल टू डैश प्लस 7. यानी कि 7 में कितना प्लस करेंगे कि वो 27 आना चाहिए. तो कितना? 20 प्लस करेंगे जिससे कि वो 27 आएगा. नेक्स्ट देखेंगे 30 इक्वल टू 30 प्लस डैश. यानी कि 30 में कितना प्लस करेंगे हम? 1 प्लस करेंगे. तो हमारा कितना हो जाएगा? 31. नेक्स्ट देखेंगे 94 है ये, डैश दिया है यहाँ पे, इक्वल टू 90 प्लस 4. तो 90 में हमने प्लस 4 किया तो कितना हो जाएगा? 94. ठीक है? अब नेक्स्ट देखेंगे 43 इक्वल टू डैश प्लस डैश. तो 43 को हमें दो पार्ट में प्लस करके दिखाना है तो कितना होगा? 40 प्लस 3. ठीक है? अब नेक्स्ट देखेंगे 50 इक्वल टू डैश प्लस डैश. यानी कि 50 को दो पार्ट्स में आपको प्लस करना है. तो 50 को क्या? 50 प्लस 4. तो कितना हो जाएगा? 54. नेक्स्ट देखेंगे 19 इक्वल टू डैश प्लस 9. यानी कि 9 में हम कितना प्लस करेंगे कि उसका 19 आंसर आना चाहिए. ठीक है? तो 10 प्लस करेंगे. 10 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाता है? 19 हो जाता है. नेक्स्ट देखेंगे डैश इक्वल टू 10 प्लस 7. तो 10 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17. ठीक है? ये सभी आप नोटबुक में नोट करेंगे.